हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं, फोटोग्राफ। सो ये 11th क्लास की फर्स्ट पोएम है। एंड इसमें जो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो ये जो पूरी पोएम है फोटोग्राफ, ये 3 स्टेजेस को डिस्क्राइब करती है। एंड पोएम भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज में जो फोटोग्राफ शो करती है, वो पोएट की मदर को शो करती हैं, जो एक बीच के किनारे खड़े हैं एंड अपनी हॉलीडे को इन्जॉय करें विद हर 2 गर्ल कजन्स। तो अपनी 2 गर्ल के कजन्स के साथ वो बीच के किनारे अपनी हॉलीडे इन्जॉय कर रही हैं। उस टाइम पे उनकी एज 12 या उसके अराउंड थी, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेज जो है शो कर रही है ये फोटोग्राफ। एंड सेकेंड स्टेज है जब 20 to 30 ईयर्स लेटर, 20 से 30 साल बाद मदर जो है उस फोटोग्राफ को, पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं एंड वो रिमेंबर करती हैं कैसे उनकी 2 कजन्स बेटी एंड डॉली अच्छी तरह ड्रेस थी फॉर हॉलीडे। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। एंड जो थर्ड स्टेज थी, तब पोएट अपनी मदर को याद करता है विद अ हैवी हार्ट। उस टाइम तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी है एंड ये काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग ला देती है पोएट में। सो अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। तो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन मिल गया है पोएम का। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सबसे पहले ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये फर्स्ट स्टेज के ऊपर है, ठीक है। सो हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं। पहले पोएट अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देख रहा है जो बहुत ही पुरानी है, ठीक है। वो इस फोटोग्राफ में अपनी मदर को देख सकता है जब वो 12 या उसके अराउंड एज में थी, एज ग्रुप में थी, एंड वो बीच के किनारे खड़ी हैं अपनी 2 गर्ल कजन्स के साथ, जो लगती तो उनसे यंगर हैं। हाथ उन्होंने पकड़े हुए हैं, ठीक है। काफ़ी विंडी सा दिन था उस दिन, तो इसलिए उनके बाल भी काफ़ी उड़ रहे थे एंड उनके फेस पर आ रहे थे, ठीक है। जब अंकल ने फोटोग्राफ ली होगी उस टाइम इतना ज़्यादा विंड होगा कि फेस पर उनके हेयर आ रहे थे उनके। एंड जब वो फोटोग्राफ को देखते हैं तो पोएट कहते हैं कि उस टाइम मदर का काफ़ी स्वीट फेस था एंड उस टाइम तो वो बॉर्न भी नहीं हुए थे। और उस टाइम जो सी था, उनके पैर धो रहा था, वॉशिंग द फीट। एंड अब जो पोएट रिमार्क करते हैं, वो कहते हैं कि सी में तो कोई चेंज, इतना बड़ा छोटा चेंज नहीं आया, बट जो चेंज आया है, इस चीज़ में चेंज आया कि अब सी किसके पैर वॉश कर रहा है। उस टाइम तो क्योंकि जो पोएट की मदर है उनके फीट को वॉश कर रहा था सी, बट अब ये सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। सी में कोई चेंज नहीं आया, बट सी किसके फुट वॉश कर रहा है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज थी। अब सेकंड स्टेज पर मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड स्टेज है जब 30 to 40 ईयर्स लेटर की बात होती है। तो उस टाइम मदर जो हैं, पोएट की मदर है, वो उस फोटोग्राफ को देखती हैं, उस पर एक लुक डालती हैं। एंड उस टाइम तक 30 to 40 ईयर्स तक, उस टाइम वो मैरिड हो चुकी हैं एंड उनकी एक डॉटर भी है पोएट, ठीक है। फोटोग्राफ को देखकर वो हमेशा हंसती थी एंड ये रिमार्क करती थी, लुक एट बेटी एंड डॉली, सी हाउ दे हैव ड्रेस्ड फॉर द बीच, ठीक है। बाय नाउ वो सिर्फ उन्हीं दिन को याद रख सकती हैं, ठीक है। उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं एंड इतना बड़ा चेंज भी आ चुका है कि अब उनके अंदर जो 12-13 ईयर्स वाली इनोसेंस थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, अब वो खो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी हैं। अब ये थर्ड स्टेज है पोएम की, जिसमें जो पोएट की मदर है उनकी डेथ हो जाती है एंड अब पोएट अपनी मदर की हंसी खुशी को याद करता है, पास्ट को याद करता है। एंड वो कहती हैं कि सी हॉलीडे एज अ पास्ट एंड माइन इज़ हर लाफ्टर। तो ये रिमार्क करती हैं क्योंकि अब जो पोएट ये कहती हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, उन्होंने अपने लॉसेस के साथ जीना जो है लर्न कर लिया, उन्हें आ गया है कि कैसे अपने लॉसेस के साथ भी जीना है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल पार्ट आ जाता है। एंड उनकी जैसे मदर की डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम उनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है। एंड ये साइलेंस ऑफ द सिचुएशन उन्हें भी शांत कर देती है, वो स्पीचलेस हो जाती हैं। एंड इस फेट को उनकी, इस फेट ने उनकी फीलिंग्स को भी मार डाला है, किल कर दिया है। सो ये थी आपकी पोएम अ फोटोग्राफ। एंड इसमें 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज में जब मदर के सीन को डिस्क्राइब किया, जब वो बीच के पास अपनी दोनों कजन्स के साथ खड़ी हैं, उसके बाद
30 to 40 ईयर्स लेटर जब वो उस फोटोग्राफ को देखकर उन दिनों को याद करती हैं, एंड लास्टली जब पोएट खुद उस फोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर की याद में ये सब कहती हैं. सो ये थी आपकी पोइम, एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.